So therefore, y is coming to be 5 divided by root 4 is 2 plus 5 into 21, that is equal to y is equal to 5 by 7 into 21, that is equal to 15 centimeter will be the answer. Okay. So in this way you can find out null position, and this is a very simple formula to remember, okay, for the null position. ओके समझ में आ रहा है क्या? देखिए मतलब अगर दो सिमिलर चार्जेस है अनइक्वल मैग्नीट्यूड के है, दोनों प्लस प्लस होने चाहिए या फिर दोनों ही माइनस माइनस होने चाहिए, तब नल पोजिशन कहाँ पे आता है? रूट क्यू डिवाइडेड बाय रूट क्यू प्लस रूट क्यू इंटू टोटल डिस्टेंस आर. ओके मतलब सिमिलर चार्जेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड के है तो नल पोजिशन एग्जैक्टली मिडल पे आ जाएगा, एंड सिमिलर चार्जेस है अनइक्वल मैग्नीट्यूड के है तो नल पोजिशन नियर स्मॉलर चार्ज इन बिटवीन देम आ जाएगा. ठीक है, अभी केस थ्री देखते हैं. केस थ्री क्या है? देखिए केस थ्री इज लाइक दिस. इफ देर आर टू डिसिमिलर चार्जेस, there are two dissimilar charges of unequal magnitude ke hain, unequal magnitude matlab dissimilar bhi hai and unequal magnitude ke hai, to null position kahan pe aa jayega? To yahan pe pehle charge hai minus q, pehla charge hai minus q aur dusra charge hai plus q. To yahan pe dissimilar matlab kya hai? Ek plus aur dusra minus hai, एंड मैग्नीट्यूड भी उनका डिफरेंट है. तो पहले का मैग्नीट्यूड स्मॉल क्यू है और दूसरे का मैग्नीट्यूड क्या है? कैपिटल क्यू है. एंड दिस टू आर सेपरेटेड बाय सपोज डिस्टेंस आर. ठीक है, तो अभी नल पोजीशन कहां पे आ जाएगा? तो नल पोजीशन अभी बीच में नहीं आएगा. बीच में नल पोजीशन डेफिनेटली नहीं आता है. क्यों नहीं आता है? देखिए मैंने बीच में कोई भी पोजिशन सपोज ले लिया, यहां पर सपोज पोजिशन पी लिया, तो ड्यू टू माइनस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे आ जाएगा? टुवर्ड्स लेफ्ट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए. इट इज अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज और टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज रहता है. सो ड्यू टू माइनस क्यू इट इज टुवर्ड्स लेफ्ट, एंड ड्यू टू प्लस क्यू ऑल्सो इट इज टुवर्ड्स लेफ्ट. प्लस क्यू से अवे मतलब टुवर्ड्स लेफ्ट, एंड माइनस क्यू की तरफ मतलब टुवर्ड्स लेफ्ट ही आता है. मतलब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में आते हैं तो कभी भी कैंसल आउट नहीं करेंगे. तो इसका मीनिंग क्या होता है? अगर डिसिमिलर चार्जेस है तो नल पोजीशन उनके बीच में नहीं आएगा. ओके अगर टू डिसिमिलर चार्जेस है तो क्या होता है? नल पोजीशन बीच में नहीं आता है. अभी थोड़ा सा लेफ्ट दोनों चार्जेस के लेफ्ट को या फिर दोनों चार्जेस को राइट को राइट पोजीशन पे देखते हैं. ओके ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, दोनों के लेफ्ट पर या फिर दोनों के राइट पर क्या होता है वो अभी हम देखेंगे. तो यहां पे सपोज ये पोजीशन है, लेफ्ट पोजीशन है, तो ड्यू टू माइनस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में आ जाएगा? टुवर्ड्स राइट आ जाएगा. एंड ड्यू टू प्लस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा? टुवर्ड्स लेफ्ट आ जाएगा. तो यहाँ पे माइनस क्यू और प्लस क्यू की वजह से जो आने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपोजिट डायरेक्शन में है. अभी इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है और इक्वल इन मैग्नीट्यूड आता है तो नल पोजिशन यहाँ पे आ सकता है. ठीक है, सो नल पोजिशन ए पोजिशन पे शायद आ सकता है. बी सपोज ये पोजिशन बी है तो बी पोजिशन पे आ जाएगा क्या? तो यहाँ पे देखिए ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी टुवर्ड्स राइट, क्योंकि प्लस ड्यू टू प्लस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा रहता है? अवे फ्रॉम दैट चार्ज रहता है. एंड ड्यू टू माइनस क्यू टुवर्ड्स दैट चार्ज मतलब टुवर्ड्स लेफ्ट आ जाएगा. तो बी पोजिशन पे भी क्या होता है? ड्यू टू दिस टू चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे भी अपोजिट डायरेक्शन में आ जाता है. ठीक है, तो
पहला तो नल पोजीशन आने के लिए पहला कंडीशन क्या है, दो चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, दैट इज द फर्स्ट कंडीशन. एंड सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन इज दैट वो दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड का इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड्स अगर सेम मैग्नीट्यूड का है, अपोजिट डायरेक्शन का है, तभी एक दूसरे को कैंसल आउट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं. ठीक है, तो यहां पे देखिए पोजीशन बी पर नल पोजीशन कभी भी नहीं मिल सकता है. पोजीशन बी पर नल पोजीशन कभी भी क्यों नहीं मिलेगा, बीच में तो मिलेगा ही नहीं, बीच में नहीं मिल सकता. बी पोजीशन पर भी नहीं मिलेगा नल पोजीशन. क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन लार्जर चार्ज के नजदीक बी पॉइंट है. ओके, बी पॉइंट इज नियरर द लार्जर चार्ज एंड अवे फ्रॉम द स्मॉलर चार्ज. मतलब स्मॉलर चार्ज, चार्ज स्मॉलर है और डिस्टेंस लार्ज है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहेगा माइनस क्यू चार्ज की वजह से जो टूवर्ड्स लेफ्ट इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो ऑलवेज स्मॉल ही रहेगा. एंड ड्यू टू कैपिटल क्यू, ओके सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कैपिटल क्यू एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल क्यू. तो यहाँ पे ये ई स्मॉल क्यू जो है वो क्या रहे, कितना रहेगा, हमेशा ई कैपिटल क्यू से हमेशा स्मॉल ही रहेगा राइट हैंड साइड पर, क्योंकि यहाँ पे चार्ज स्मॉल है और डिस्टेंस भी लार्ज है, और ई कैपिटल क्यू कैसा आ जाएगा, हमेशा लार्जर ही आ जाएगा. क्यों आ जाएगा, क्योंकि चार्ज लार्जर है और डिस्टेंस भी स्मॉलर है, क्योंकि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या रहता है, के क्यू बाय डिस्टेंस स्क्वायर. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कब बढ़ता है, जब चार्ज बढ़ता है या फिर डिस्टेंस कम होता है तब. ए पॉइंट को नल पोजीशन आ सकता है, नल पोजीशन क्यों आ सकता है, देखिए यहां पे चार्ज स्मॉल है और डिस्टेंस भी स्मॉल है. ओके, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल चार्ज ई क्यू है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कैपिटल चार्ज ई कैपिटल क्यू है, तो ये दोनों सेम आ सकता है कहीं पे, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ई क्यू चार्ज भी बड़ा है और डिस्टेंस भी बड़ा है. ओके, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ई स्मॉल क्यू, ये कैसा हो जाएगा, यहाँ पे चार्ज भी स्मॉलर है और डिस्टेंस भी स्मॉल है. ठीक है, तो यहाँ पे ई क्यू, ई कैपिटल क्यू एंड ई स्मॉल क्यू सेम हो सकता है. तो यहाँ पे ध्यान में क्या रखना है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉलर चार्ज के, मतलब नल पोजिशन स्मॉलर चार्ज के नजदीक ही रहेगा, लार्जर चार्ज के नजदीक नहीं रहेगा. दैट इज द केस यू शुड रिमेंबर. ओके, नल पोजिशन कहां पे रहता है, स्मॉलर चार्ज के नजदीक नल पोजिशन रहता है. ओके, इसका जो फॉर्मूला है वो हम नेक्स्ट लेक्चर को देखेंगे.